नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लैंड फॉर जॉब मामले में। ईडी ने 1000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 13 अगस्त को राउच एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोप है कि रेलवे में भर्ती होने वाले लोगों ने नौकरी के बदले आरजेडी सुप्रीमो के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी। तो 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है लैंड फॉर जॉब केस में। अब लालू परिवार की मुश्किलें वो बढ़ती नजर आ रही है। लालू तेजस्वी समेत 11 को आरोपी बनाया गया है। 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। राउच एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। और जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने पर जेडीयू का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस पर पार्टी क्या कह सकती है? कहना है कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है। और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही है। इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है। इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कह सकता है? लालू प्रसाद और तेजस्वी समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी वार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू का परिवार आदतन अपराधी है, ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। तेजस्वी को अब जेल यात्रा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। परिवार आदतन भ्रष्टाचारी अपराधी परिवार है। सीबीआई ने आज चार्जशीट में तेजस्वी लालू समेत 11 लोगों के नाम दर्ज किए हैं। दरअसल इन लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं, और बिहार की जनता को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति से निकाल बाहर करें। दरअसल दोनों पिता पुत्र में कंपटीशन लगा हुआ है कि जनता का माल कौन ज्यादा हड़पता है, कौन ज्यादा लूटता है। तेजस्वी जी, अब इस देश में कानून का राज है, अपराध करके आप बच नहीं पाएंगे, आप अपनी जेल यात्रा की तैयारी शुरू करिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने जो बड़े फैसले लिए उसमें परिवहन विभाग में लिपिक के 102 पद का सृजन, क्षेत्रीय कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक का पद सृजित किया गया, पटना जू में बंद पड़ी ट्रेन फिर से शुरू होगी, इसके लिए 9,88,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिहार में पर्यटकों की सुविधा के लिए योजना पास, सीएम होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2024 को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिहार खरीद अधिमत्तर नीति 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। इस नीति के तहत बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्टार्टअप इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही पटना के पीएमसीएच में 5,462 बेड वाले नए भवन को मंजूरी दी गई है। दिल्ली एम्स की तर्ज पर 4,315 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। तो नीतीश के जो अहम फैसले वो हम आपको दिखा रहे हैं। परिवहन विभाग में लिपिक के 102 पदों को स्वीकृति मिली है। क्षेत्रीय कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक का पद सृजित होगा। पटना जू में बंद पड़ी ट्रेनें फिर से शुरू होंगी। इसके अलावा अगर बात करें नीतीश कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है, जू ट्रेन के लिए 9,88,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार में पर्यटकों की सुविधा के लिए योजना पास की गई है ताकि बिहार में पर्यटकों की संख्याओं को बढ़ाया जा सके। सीएम होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2024 को स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट में बिहार खरीद अधिमंता नीति 2024 को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बात करें तो बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्टार्टअप इकाइयों पर जोर दिया गया है। पीएमसीएच में 5,462 बेड वाले नए भवन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बात करें दिल्ली एम्स की तर्ज पर 4,315 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। सर, मैं 36 एजेंडों पे निर्णय हुआ। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ वह है बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 की स्वीकृति है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बिहार में उत्पादन किए जाने वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में अधिमानता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस नीति के अंतर्गत यदि जो बिहार की कंपनियां हैं, यदि पहलवा जो न्यूनतम दर में से 15%
परसेंट के मार्जिन में अगर बिड करती हैं, तो ये निर्णय हुआ है कि जो L1 रेट पे उन्हें 25% का ऑर्डर। और बिहार में अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी तैयारी की है। बिहार सरकार ने अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों को इनाम देने का फैसला किया है। ओवरलोडेड ट्रैक्टर की सूचना देने पर ₹5,000 और ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहनों की सूचना पर ₹10,000 इनाम देने की बात कही गई है। डिप्टी सीएम और खनन मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि विभाग की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है। अवैध खनन की सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर है 9473191437 और 9939596554। दो नंबरों पर फोन कर आप 24 घंटे अवैध खनन की सूचना दे सकते हैं। आवागमन को बढ़ावा देने के लिए ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन की सूचना देने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों पर ओवरलोडिंग की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से ₹5,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अपराधी भ्रष्टाचारी का गठजोड़ कमजोर होगा, उस पर प्रहार। सामाजिक योद्धा के साथ साथ हमारे पुलिस प्रशासन और विभाग के पदाधिकारी का भी होगा। और कल से सिपाही भर्ती परीक्षा है। लीक प्रूफ परीक्षा के लिए ईओयू तैयार कर लिया गया है। ईओयू का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। 8544-428-404 पर शिकायत कर सकते हैं। साइबर छात्रों को जो साइबर छात्र हैं उनकी शिकायत की जा सकती है। हेल्पलाइन ईमेल cybercell@nic भी जारी कर दिया गया है। पिछली बार लीक का जो पेपर पत्र हुआ था उसको लेकर ये तमाम एहतियात बरती जा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से सिपाही भर्ती परीक्षा है। लीक प्रूफ परीक्षा के लिए ईओयू तैयार कर लिया गया है। बहुत से साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे पुराने प्रोफेशनल गिरोह हैं जिनके ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कुछ कुछ हम लोगों को सूचना या सूचनाएं जो हम लोगों ने नंबर और ईमेल आईडी सार्वजनिक किए हैं, पता चल रहा है कि अभ्यर्थियों को कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आप लोगों को उत्तरकंजी उपलब्ध करवा देंगे, जब प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा देंगे आप इतना पैसा हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और दूसरा क्या होता है कि जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन फेक उत्तर कुंजियां या फेक क्वेश्चन पेपर्स किसी तरह से वायरल करते हैं ताकि जो परीक्षा की सैंक्टिटी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, अभ्यर्थियों में अभिभावकों में बेचैनी पैदा हो ताकि परीक्षा की प्रक्रिया को ये लोग दिग्भ्रमित कर सके, अभिभावकों को और अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर सके। तो इस सब को नज़र में रखते हुए आर्थिक अपराध इकाई पहले से सक्रिय हो गई है। और सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर गोपालगंज में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल से शुरू होने वाली परीक्षा 28 अगस्त तक चलेगी, जिसे जिले में परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। पेपर लीक ना हो इसके लिए प्रशासन ने सेंटरों पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों को 9:30 से 10:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर एंट्री मिलेगी। दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा चलेगी। 2 घंटे तक चलने वाली परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर CCTV के जरिए सख्ती से निगरानी की जा रही है। सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा का आयोजन कल से शुरू होना है और गोपालगंज में भी परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं और आज तमाम केंद्रों पर परीक्षार्थी जो है वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और लेकिन परीक्षा जो है कल से होना है और कल परीक्षा प्रथम पाली में होगी। परीक्षार्थियों को सुबह के 9:30 बजे से 10:30 बजे तक पहुंचना होगा और ऐसे में परीक्षा को लेकर जो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। गोपालगंज में कुल 9 केंद्र बनाए गए हैं, इसमें VM इंटर कॉलेज, इसके अलावा DAV प्लस टू विद्यालय, शाहूजन बालक विद्यालय और शिव प्रताप स्कूल, मुखीराम प्लस टू स्कूल, MM उर्दू प्लस टू स्कूल, SS बालिका प्लस टू स्कूल, तमाम ऐसे जो परीक्षा केंद्र हैं इन्हें केंद्र बनाया गया है। गोपालगंज के DM मोहम्मद मकसूद आलम को जिला कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। DM का यह कहना है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराई जाएगी। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर CCTV के साथ साथ जैमर लगाने के लिए भी तैयारी चल रही है। गोविंद कुमार, News18 गोपालगंज।
बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट की। बांग्लादेश में अशांति के बीच केंद्र सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने स्थिति के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी है। वहीं बांग्लादेश हिंसा मामले पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में भारतीयों के संपर्क में सरकार है। तो सरकार को भी विपक्ष का साथ मिला है। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय की तरफ से एच जयशंकर ने स्थिति के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी है। वहीं बांग्लादेश हिंसा मामले पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में भारतीयों के संपर्क में सरकार है, स्थिति पर भारतीय सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। और बांग्लादेश के मुद्दे पर बिहार सरकार अलर्ट, सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। विजय चौधरी ने कहा है कि सभी चीजों पर सरकार की नजर बनी हुई है। बिहार से बांग्लादेश सीमा जो है वो जुड़ी हुई है, घुसपैठ पर भी सरकार की पैनी नजर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार अलर्ट है, ये आश्वासन दिया जा रहा है। विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, चूंकि बिहार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ऐसे में पूरी तरह से सीमाओं पर नजर रखी जा रही है। हमको कोई आशंका इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है, और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है, सरकार सीमा पर सजग है। शेख हसीना को भारत में रहने देना चाहिए या नहीं, सवाल पर सांसद मनोज झा ने कहा है कि फैसला भारत सरकार लेगी, ये फैसला जल्दबाजी में नहीं हो सकते। हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार ने। अब बांग्लादेश की घटना को लेकर जेडीयू ने चिंता जताई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अतिवादी ताकतों के संरक्षण में तख्ता पलट हुआ है। 1971 में भी बड़ी संख्या में शरणार्थी नॉर्थ ईस्ट और दूसरे इलाकों में आए थे, इससे बड़ी संख्या में पैदा हुई थी। क्या घुसपैठ की घटनाएं कश्मीर की तर्ज पर यहां डिस्टर्ब करने के लिए आयोजित की जाएंगी, यह भारत की सुरक्षा के लिए शुभ लक्षण नहीं है। कि जो वहां की अतिवादी ताकतें हैं, जिनको धार्मिक संरक्षण भी प्राप्त है, उनके नेतृत्व में ये तख्ता पलट हुआ है। सारा आंदोलन जमायत इस्लामी ने चलाया था, कुल मिलाकर के भारतीय सुरक्षा के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। और भारत की खुफिया एजेंसी और पश्चिमी बंगाल की सरकार, उनमें तालमेल बढ़ना चाहिए। ममता दीदी को भी अब केंद्र का विरोध छोड़ करके, जो अब संभावित खतरा बांग्लादेश से शरणार्थियों का या टेररिस्ट का है, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके उसको रोक लगानी चाहिए। वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि परिस्थिति बहुत चिंताजनक है, मुझे विश्वास है कि इस पर भारत सरकार की नजर होगी, ये चिंता का विषय है। और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है, मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नजर होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। तो सरकार को विपक्ष का साथ मिल रहा है, और हालांकि जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, वो भी लगातार सरकार के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हंगामा हुआ है, छात्र और छात्राओं के बीच में यह हंगामा, सड़क जाम कर हंगामा किया गया है। पीजी के लिए एडमिशन लिस्ट जारी करने की मांग की गई है, आज एडमिशन का अंतिम दिन है, मौके पर पुलिस पहुंच गई है, छात्र छात्राओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एडमिशन की लिस्ट को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है, आज एडमिशन का अंतिम दिन है और मौके पर पुलिस पहुंच गई है, छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है।
तो छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हंगामा हुआ है, छात्र छात्रा सड़क पर उतर गए हैं। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, छात्र छात्रा जो लगातार हंगामा कर रहे हैं, ये हंगामे की मेन वजह क्या है? देखिए जी, वो गरीब मामला है, ये पीजी के लिए एडमिशन लिस्ट जारी नहीं किया गया जबकि आज एडमिशन लेने का अंतिम दिन है। जैसा कि जो स्टूडेंट जो हंगामा कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए, ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये कॉलेज प्रशासन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पूरा राजेंद्र नगर का इलाका, वैसे भी ये जाम रहता है, यहाँ मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है और ऐसे में जबकि काफी संख्या में छात्र जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, पूरी तरीके से यातायात व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, छात्र छात्राओं को समझाने की कोशिश की जा रही है, जो पत्रकार नगर की पुलिस है, कई थानों की पुलिस टीम यहाँ पहुंची हुई है, और लेकिन छात्र जो है वो अपनी मांग पर अड़े हैं कि आखिरकार एडमिशन जो नामांकन का लिस्ट है, एडमिशन लिस्ट है, वो क्यों नहीं जारी किया गया है। कॉलेज प्रशासन के जो अधिकारी है वो भरोसा दिलाएं, तभी अभी फिलहाल वार्ता करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जाम से पूरी तरीके से ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो गया और इसका इलाका पर जो दूसरे सड़क है उस पर भी इसका असर हुआ फिलहाल जाम। संजय, जब आज आखिरी दिन था तो कॉलेज की तरफ से लापरवाही क्यों बरती गई? क्या उन्हें पता नहीं कि छात्र छात्राएं इस तरह के आंदोलन, इस तरह का प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं? अगर आज अंतिम दिन है और छात्रों को अपने एडमिशन को लेकर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, तो फिर वो लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? कॉलेज प्रशासन जो है अपनी तरफ से फिलहाल छात्राओं जो लोग हैं जो स्टेशन पर उतरे हुए हैं स्टूडेंट, उनको समझाने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है और वक्त रहते कॉलेज प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि जो नामांकन लिस्ट है उसको जारी कर दिया जाए। बहरहाल देखना है कि किस तरीके से उनकी तरफ से कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल छात्रों की नाराजगी देखने को मिल रही है और हंगामा बरपा हुआ है जी। संजय, क्या डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है? जो आज बताया जा रहा है एडमिशन की आखिरी जो डेट है, आखिरी दिन है, उसमें तब्दीली हो सकती है? बिल्कुल, जो कॉलेज प्रशासन ने उसका कहना है कि कॉलेज जो नामांकन की तिथि है उसको बढ़ाया जा सकता है, बहुत बड़ी समस्या ये नहीं है, कुछ टेक्निकल रीजन से फिलहाल लिस्ट जारी नहीं किया गया है और अभी वक्त है, देखना होगा। अगर आज लिस्ट जारी नहीं किया जाता है तो फिर आने वाले दिनों में लिस्ट जारी करने को लेकर कॉलेज प्रशासन अपनी तरफ से क्या भरोसा दिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो हंगामा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस के लिए प्रायोरिटी है, दोनों तरफ से वार्ता करवाने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है जी। संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही न्यूज 18 भी छात्र छात्राओं से अपील कर रहा है कि हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, अगर कॉलेज प्रशासन की ओर से ये भरोसा दिया जा रहा है कि डेट को आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर छात्रों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में बिल लाए जाने की तैयारी पर देश भर में खूब हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के नेता बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिहार वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों का मानना है कि सदन में पेश होने वाले संशोधन विधेयक लोगों के हित में है। वक्फ बोर्ड के सदस्य और बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष इरशाद अली आजाद ने इस बिल का समर्थन किया है और केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी को जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर रोक लगेगी। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में भारत सरकार कई बदलाव करने जा रही है और इसके लिए सदन में संशोधन विधेयक भी लाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और जदयू के नेता इरशाद अली हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो सरकार ने जो तैयारी की है बदलाव की, बड़े पैमाने पे कहा जा रहा है कि बदलाव होगा इसके बाद, तकरीबन 40 से भी अधिक संशोधन बताए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ की जो जमीनें हैं उसको इससे फायदा होने वाला है? देखिए, वक्फ की जो जमीनें होती हैं वो अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर, गॉड के नाम पर उसको दान किया जाता है। अगर उस दान की प्रॉपर्टी को भारत सरकार पहले भी कई कानूनों में तब्दीलियां कर चुकी है, माने आपको 54 में भी तब्दीली हुई है, 95 में भी हुई है, 2013 में भी हुई है, तो ये अच्छी बात है कि उस दान की गई प्रॉपर्टी, जिस उद्देश्य से दान किया गया था, उस दान के लिए, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रबंधन के लिए, डेवलपमेंट के लिए कानून बनते हैं, तो स्वागत योग्य है। लेकिन इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप ही के दल के लिए हम बात कर लें या फिर देश भर में कई लोगों की बात कर लें, तो लोगों का कहना है कि नहीं, सरकार इसे छेड़छाड़ कर रही है, इसे नुकसान होगा। देखिए, एक्चुअली प्रॉपर्टी, देखिए इसको तरह तरह की बात मीडिया में भी आ रही है, पेपर में भी आ रहा है, इस पर कोई किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए।
सरकार का अगर उद्देश्य है कि उस प्रॉपर्टी का बेहतर इस्तेमाल हो, और जिन लोगों ने, रसूखदार लोगों ने अगर या कोई कब्जा किया है या कोई खरीद बिक्री किया है, अगर उस पर सरकार के अधीन कोई कार्रवाई होती है तो ये अच्छी बात है। और वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में बिल लाया जा रहा है। बिहार में भी वक्फ बोर्ड के पास अरबों की संपत्ति है जिस पर असर पड़ने की संभावना है। इस बिल को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कुछ आशंकाएं जता रहे हैं, साथ ही वक्फ बोर्ड की ताकतों का एहसास भी कराते हुए दिख रहे हैं। केंद्र सरकार से आग्रह भी किया जा रहा है कि कुछ ऐसा ना लाएं बिल में जो समस्या पैदा करे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशाद अल्लाह से उल्लाह से बात किया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव को लेकर एक बिल लाने की तैयारी करी, हमारे साथ बिहार के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह जी हैं। इरशादुल्लाह जी, बहुत चर्चा है कि सरकार एक बिल लाने की जा रही है जिसमें कई सारे संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ वक्फ बोर्ड की सख्तियों पर भी अंकुश लगाने की तैयारी है। ये चर्चा मैं भी एक हफ्ते से पेपर के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक की भारत सरकार ये बिल नहीं लाई है कि जिसकी प्रतिक्रिया हम लोग, कोई भी अकलियती समाज के लोग हो या कोई भी, दे सके। वफ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, ये भगवान की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की नहीं है। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, एक बार, और ये वक्फ का मतलब है दान। दान जब हो जाता है तो वापस नहीं किया जाता है। ये आज करें ही 1400 साल पहले एक सहाबी ने हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जमीन का टुकड़ा पेश किया था कि ये हुजूर, ये वक्फ हम आपके हवाले करना चाहते हैं। मोहम्मद साहब ने कहा इसे वक्फ कर दो, जिस पे मस्जिद कुबा बना है जो एक धार्मिक स्थल है काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में। इसी तरह से बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, खानकाहें हैं, इबादतगाहें हैं, ईदगाहें हैं, मज़ारात हैं, ये सारी चीज़ें वक्फ हैं, और इसको किसी न किसी व्यक्ति ने वक्फ किया है अपनी ज़मीन को उस ईदगाह के नाम, उस मस्जिद के नाम, चाहे बाई विल डीड हो बाई ओरल हो। और ये वक्फ, मैंने पहले ही कहा, ये एक दान है, दान गुप्त होता है। रिलायंस फाउंडेशन केरल के वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों की मदद को आगे आया है। रिलायंस फाउंडेशन ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर त्रासदी झेल रहे लोगों के लिए लंबे समय तक राहत देने का प्लान बनाया है। पीड़ितों को फौरी राहत के लिए खाद्य पदार्थ, फल, दूध, सूखा राशन, रसोई के बर्तन, पीने का पानी, बुनियादी स्वच्छता जरूरतों का सामान, टेंट, बिस्तर, सोलर लालटेन और टॉर्च जैसी चीजें फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी। रिलायंस फाउंडेशन बच्चों की शिक्षा निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकों और खेल सामग्री समेत शिक्षा सहायता उपलब्ध कराएगा। रिलायंस जियो ने वायनाड के प्रभावित इलाकों में विशेष टावर भी लगवाया है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए पुस्तक, खेल सामग्री का वितरण किया जाएगा। केरल में हुई इस दुखद घटना पर रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा है कि हम वायनाड के लोगों की पीड़ा और भूस्खलन से हुए भारी नुकसान से दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं हर व्यक्ति और परिवार के साथ हैं जो प्रभावित हुए हैं। मौके पर मौजूद हमारी रिलायंस फाउंडेशन की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। हम इस कठिन समय में केरल के लोगों के साथ खड़े हैं। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।